हाल ही में फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया ने टिप्पणी की थी कि एसडीएफ के पिछले दो दशकों के कार्यकाल में कृषि उत्पादन में कमी आई है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भूटिया की इस टिप्पणी की निंदा की है और उसे एसडीएफ पर बेबुनियाद आरोप ठहराया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसडीएफ के प्रवक्ता भीम दहाल ने कहा, बाईचुंग भूटिया ऐसे राजनीतिज्ञ है जिन्हें किसी बात की खबर नहीं है, उन्हें सिर्फ टिप्पणी करनी आती है। उनकी टिप्पणी राजनीति में उनके नएपन को ही दर्शाती है, क्योंकि हमारे कृषि उत्पादन में कमी नहीं बल्कि 60% की वृद्धि हुई है। हाँ, हम मानते हैं कि अनाज में कमी है, लेकिन दुग्ध उत्पादन में हम आत्मनिर्भर है, हमारे पास पर्याप्त सब्जियां भी हैं। दहाल ने भूटिया से अपने आचरण में परिपक्वता लाने को कहा है। बाईचुंग भूटिया को पता ही नहीं है वो कहाँ से तथ्यांक लाया, वो कृषि विभाग से नहीं लिया, पशुपालन विभाग से वो तथ्यांक नहीं लिया, वो खुद का तथ्यांक बना के बोलता है। बाईचुंग भूटिया को कुछ पता नहीं है। जल्द ही सिक्किम विधानसभा का विस्तार होने जा रहा है। कानून मंत्रालय ने इस मुद्दे को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा है। आज सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई। एसडीएफ के प्रवक्ता भीम दहाल ने बताया कि संसद के आगामी मानसून सत्र में इस विधेयक को रखा जाएगा और अगर नहीं रखा गया तो संसद में अध्यादेश पारित किया जाएगा। दहाल ने कहा कि एसडीएफ ने इस मुद्दे का हल निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और राज्य सरकार ने 40 सीटों का प्रस्ताव दिया है। नए प्रस्ताव में 20 सीट आरक्षण श्रेणी में है, जबकि अन्य 20 सीट आम समुदायों के लिए है। मौजूदा सिक्किम विधानसभा में 32 सीटें हैं। विस्तार के बाद विधानसभा में 40 सीटें हो जाएंगी। ये केंद्र में एक्टिवली इसके ऊपर कंसिडरेशन हो रहा है, ऐसा सूचना हमें मिला है। एसटीएफ पार्टी और एसटीएफ गवर्नमेंट ही पॉजिटिव फोर्सेस हैं जो इसके लिए रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, और मुझे पूरा आशा है कि मुख्यमंत्री महोदय ने भी बताया और हम पूरा आशा करते हैं कि दो महीना तीन महीना के अंदर में ये लिंबू तामांग का सीट आरक्षण का जो प्रस्ताव है वो पास हो जाएगा। शिलांग में आयोजित एनईसी की दो दिवसीय पूर्णकालिक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राज्य आंतरिक सुरक्षा मसलों को सुलझाने के लिए एक फोरम के गठन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, चूंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पूर्वोत्तर में अपनी जड़ें जमा ली है, इसलिए एनईसी को सुरक्षा मुद्दों पर विचार विमर्श करना चाहिए। इधर मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने मिलकर क्षेत्र की समस्याओं से लड़ने की कसम खाई। एक तरफ जहां नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि इसके लिए खुली सीमा में बेड़े की व्यवस्था करनी होगी और सही कार्य योजना बनानी होगी, वहीं दूसरी तरफ सांगमा ने कहा कि इस पर सभी 8 राज्यों को मिलकर काम करना होगा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एनईसी सही मंच है। उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों समेत केंद्रीय डोनर मंत्री जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। इन माय स्टेट वी हैव नो प्रॉब्लम एंड आई डोंट वांट इट एंड इफ इट टेक्स प्लेस आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट एंड अपोज इट। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू ऑल इश्यूज, वेदर इट्स सिक्योरिटी और डेवलपमेंट इश्यूज, ऑल हैव टू बी ब्रॉट इन फ्रंट एंड आई थिंक NEC is the right forum. Even the Niti Aayog is tied up with NEC. So I think when it comes to security issues also, it will be good an idea to discuss all these issues at a level of the NEC also. सभी उपस्थित honorable governors और chief ministers ने भी अपने अपने valuable suggestions दिए हैं। हम सभी लोगों को मिलकर employment और income generation को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम insurgency जैसी जो हमारी चैलेंजेज हैं उन चैलेंजेज को हम मीट आउट कर सकें, और इसके लिए हमें एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर है, इंडस्ट्री जो सेकेंडरी सेक्टर है, और सर्विसेज जो टर्सरी सेक्टर हैं, इन तीनों पर हमें विशेष रूप से जोर देना होगा। इन तीनों पर हमको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। लॉटरी घोटाले की सीबीआई जांच और 4 लॉटरी फर्मों को रद्द करने की मांग में मिजोरम की मुख्य विपक्षी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट ने आज दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रखा।
एमएनएफ कार्यकर्ताओं ने आज दूसरे दिन भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड स्टेट लॉटरी ऑफिस के सामने धरना देते हुए कर्मचारियों को कार्यालय में प्रवेश करने से रोका। एमएनएफ के उपाध्यक्ष तोंग लुए ने प्रदेश के मुख्यमंत्री लालथन हावला की इस बात पर कि सीबीआई इस मामले की जांच की इच्छुक नहीं है तासे झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर इन चार फर्मों का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया। मिजोरम सरकार ने सोमवार को अधिसूचना जारी करते हुए सिनलुंग हिल्स काउंसिल के तहत सिनलुंग अंतरिम परिषद की 12 सदस्यीय अंतरिम परिषद को नियुक्त किया है। मणिपुर में स्थित एक चर्च के नेता ललथलियन को मुख्य कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया है, जबकि हमार पीपल्स कन्वेंशन के कार्यकारी अध्यक्ष एलटी हमार को अंतरिम परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक अंतरिम परिषद 6 महीने की अवधि के लिए होगी और आइजोल जिले के डिप्टी कमिश्नर 30 दिनों के भीतर अंतरिम परिषद के पहले सत्र को बुलाएंगे और सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। अंतरिम परिषद की अवधि समाप्त होने के बाद परिषद के सदस्यों को परिषद के क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। त्रिपुरा की 180 साल पुरानी राजधानी अगरतला को पहली बार फ्लाईओवर मिलने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने 28 मई 2015 में ही दक्षिण अगरतला के पुलिस लाइन से शहर के बीचों बीच फायर ब्रिगेड चौमोहनी तक 2.26 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर की नींव रखी थी। दो लेन वाले इस फ्लाईओवर की चौड़ाई 8 मीटर है। तकरीबन 300 करोड़ की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। पहले 30 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा होने की बात कही गई थी, हालांकि अभी काम पूरा होने में और थोड़ा वक्त लगेगा। इस नए फ्लाईओवर के बनने से शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार होगा। अगरतला का पहला फ्लाईओवर जहां पे अब मैं खड़ा हूँ करीब करीब बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, फिनिशिंग टच दे रहे हैं इस फ्लाईओवर को। कुछ दिनों में इस फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन होने की संभावना है और इस फ्लाईओवर के चलते अगरतला सिटी में जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो और भी स्मूथ होगा, ये आशा किया जा रहा है। और इस फ्लाईओवर जो बहुत दिनों से इस स्टेट के लोगों का एक आशा थी एक फ्लाईओवर का, ये भी पूरा होने की कगार पे है। आप कैमरा पर्सन काजल केरी के साथ, मैं तन्मय चक्रवर्ती, अगरतला से न्यूज़ 18 आसाम नॉर्थ ईस्ट।